एंड अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पिक्चर देखकर आइडिया हो ही गया होगा कि ये है एक अदद तरह शॉपिंग हॉल। सब लोग शॉपिंग कर रहे थे यार, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं। तो जल्दी से वीडियो को देखो, जो कुछ भी समेटना है समेट कर बैठ जाओ और वीडियो को इन्जॉय करो। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। तो सबसे पहले मैं ओपन करने जा रही हूँ ये सबसे पहला पार्सल। मुझे नहीं पता, अब याद नहीं है कि इसके अंदर मैंने क्या ऑर्डर किया था, तो अब आपके साथ साथ ही मुझे भी इसको खोलते हुए पता चलेगा कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। हाँ ग्रेट, तो ये है अदद, एक अदद बैक स्क्रैचिंग टूल, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसकी लेंथ जो है वो अच्छे से इंक्रीज भी हो जाती है। तो ये देखें, अरे वाह यार, ये देखें। और यहाँ से भी इसको आप अच्छा खासा जो है वो लंबा कर सकते हैं। ये इतना ही इसका लेवल जो है वो जा रहा है, ये आप देख सकते हो। मैं आपको इसका ज़रा कंप्लीट एक दिखा देती हूँ, यहाँ से लेकर और ये देखें कितना लंबा है, ठीक है। तो एक बैक स्क्रैचिंग टूल है ये, कमर वगैरह पे ख़ारिश वगैरह हो रही हो, अगर इचिंग हो रही हो, तो सम टाइम आप किसी और को जो कहते फिरते हैं, तो आप क्यों ना खुद ही इस टूल को यूज़ करें। और ये बड़ा ही अच्छे मटेरियल से बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसको जंग लगेगा या ये ख़राब होगा, और बड़े ही अच्छे मटेरियल का बना हुआ है। तो मेरी तरफ़ से तो ये आप लोगों को रिकमेंडेड है अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें। लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और प्राइसेस वगैरह भी, तो आप इसको जो है ना हर चीज़ इसकी चेक कर लीजिएगा। और मेरी तरफ़ से आप इसको बिल्कुल ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। ये वाली जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ना कह लें कि सूदिंग है, मतलब ये अगर आप इससे स्क्रैचिंग करेंगे या इसको रब करेंगे तो इससे कोई चोट नहीं लगेगी, ठीक है। तो मटेरियल भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूँ कि पहला ऑर्डर मैंने ओपन किया है तो अच्छा निकला, ठीक है। तो आगे चेक करते हैं और क्या ऑर्डर किया था भाई हमने। एक तो ना चीज़ों को खोल के निकालना, छोटी छोटी चीज़ें हों तो अच्छा। ओके सॉरी, ये एक ही आइटम था जो मैंने ऑर्डर किया था। अब नेक्स्ट पार्सल को ओपन करते हैं। बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा ये पहला पहला वीडियो है। तो ये देखिए, अच्छा जी, इसकी मुझे कीमत अब मुझे याद नहीं है कि क्या चीज़ मैंने ऑर्डर की थी। ओह तो ये क्या है, अरे वाह 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 वाह, ये है मिनी चॉपर। और पैकिंग तो बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हो कि ये मेड इन चाइना है। तो जल्दी से देख लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके जी, आई गेस के बैकग्राउंड ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं नाउ, कुछ काफ़ी हद तक ही अच्छा लग रहा है। तो ये है भाई एक अदद छोटा सा मिनी चॉपर। अक्सर किचन में काम करते हुए ना इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मिनी चॉपर जो है वो भी ऑर्डर किया जाए, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो इसको आप देख सकते हो, अब मुझे ये नहीं पता कि इसको ओपन कैसे करना है, तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मंगवाया तो कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है इसको। मेरा ख्याल है इसका मैंने यूज़ देखा हुआ है, मैं इंशाल्लाह इसका ना पूरा आपको एक डिटेल्ड रिव्यू दूंगी, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। कुछ लोगों को आइडिया होगा भी, ओह दैट्स ग्रेट। तो ये ऐसे हम इसको इस तरीके से जो है इसको ऐसे रब करते हैं और देन ये सारे का सारा जो है ना इसके नीचे होगा। एक मिनट, मुझे लगता है कि खोला भी जा सकता है। एक्चुअली मुझे डर लग रहा है क्योंकि नया प्रोडक्ट है ना, तो मैं नहीं चाहती कि जल्दी जल्दी में इसका कोई नुकसान हो जाए, तो मैं बाद में इसको डिटेल से अच्छे तरीके से देख के तो आपके साथ ना इसका एक छोटा सा वीडियो शेयर करूँगी। अंदर ब्लेड्स हैं और ब्लेड्स देख कर लग रहा है कि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आई होप कि इंशाल्लाह ये अच्छा ही निकलेगा। तो सेलर गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं। इसमें भी बॉक्स है, पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है, काफ़ी हैवी है ये बॉक्स, तो देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। अरे वाह 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 वाह, तो ये है कलर चेंजिंग हिमालयन साल्ट यूएसबी लैंप।
और इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना तारीफें भी सुनी थी, और मैंने अक्सर घरों में ना ये पड़ा हुआ भी देखा था। इसकी जो बड़ी वाली पैकिंग होती है ना वो पड़ी देखी, तो मैं सोचती थी कि अरे भाई इसका क्या मकसद है। तो बेसिकली ये जो है ना अस्थमा होता है जो लोगों को, या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, और आपका मूड अच्छा करने के लिए, एनवायरनमेंट को ज़रा एक रिफ्रेशिंग फील देने के लिए जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। तो पैकिंग जिसने भी की है अच्छी की है अब तक, तो दराज से जो प्रोडक्ट 2-3 ओपन किए हैं मेरा दिल खुश हो गया। तो बाकी देखते हैं, इन्होंने अच्छे तरीके से इसको बबल रैप भी किया हुआ है और ये सारा भी किया हुआ है, तो इसको हम जो है ना देख लेते हैं। तो सो क्यूट, अब मुझे डर है कहीं टूटा हुआ ना हो, इंशाल्लाह नहीं टूटा होगा। जितने प्यार से सेलर ने पैक करके भेजा है ना, मुझे इसकी लुक आपको दिखाने दें, ओ माई गॉड इट्स सो क्यूट। तो ये बबल रैप इन्होंने किया हुआ है इसको, और अरे वाह 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 वाह, ये बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने पैक किया हुआ है। और आप ये देखो कि इन्होंने इसके आगे से इसको बड़ी प्यारी कवरिंग भी दी हुई है ना। आप इसको ऐसे रिमूव करो और आप इसको किसी भी गैजेट के साथ लगाएं तो ये जो है ना ओपन होगा। बल्कि मैं आपको ना ये करके भी दिखाती हूँ, इसको ऑन करके भी दिखाती हूँ। अभी पैकिंग तो बहुत प्यारी है, मैं इसको ज़रा ओपन कर लूँ। तो ये प्योर जो है ना, वाकई इसमें सॉल्ट जैसी जो है ना ट्रैफिक का काफ़ी क्यूट है, और वाओ इट्स वेरी क्यूट। ये देखें, आप देखें कितना प्यारा है ये। अभी इसका टेस्ट कर लेते हैं एक बार, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। असल में क्लारा भी साथ साथ बैठते रहना चाहिए। एक सुघर लड़की की निशानी यही होती है कि वो कोई भी काम करते हुए कोई खलारा ना डाले। अरे वाह, ये तो कलर भी चेंज करता है, ग्रीन कलर, अभी इसने येलो शो किया था और अभी ब्लू और अब पर्पल। अरे वाह, अब येलो, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, लेट मी शो यू। थोड़ा करीब से आपको दिखाती हूँ। अब इसने ब्लू कलर जो है वो ले लिया है, थोड़ी देर में ये पर्पल, ओह पिंक पर्पल और वाइट, और नाउ अब वाइट हुआ है। वाह इट्स सो ब्यूटीफुल, आई लव इट, आई लव इट। तो अब रेड हो गया। ओके जी, तो ये हो गया हमारा हिमालयन साल्ट लैम्प का डेमो, और इट्स वेरी क्यूट एंड वेरी गुड। जी हाँ, तो इससे पहले कि मैं पिछला सॉरी अपना अगला पार्सल खोलती, मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखा दूँ, क्योंकि मैं फाइनली इसको खोलने में कामयाब हो गई थी। तो ये ऐसे खुलता है, और ये इसके ब्लेड्स आप देख सकते हो कि इसके ब्लेड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से, बाकी तो यूज़ करके पता चलेगा, लेकिन सो फार एक अच्छा और क्यूट सा प्रोडक्ट है ये, जैसे आप बड़े अच्छे तरीके से चॉपिंग कर सकते हैं मैन्युअली। जी तो अब ओपन करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्सल। ओह वाह, ये तो मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट था, इसके लिए मैं बहुत बेचैनी से वेट कर रही थी। तो मेरा क्योंकि नाम ऐसे स्टार्ट होता है, तो मैंने ये एस वाला जो है अल्फ़ाबेट जो है एलईडी अल्फ़ाबेट ये ऑर्डर किया है। अभी इसकी वर्किंग भी आपको दिखाते हैं। और ये जो है बटरफ्लाई रॉयल ब्लू कलर की जो है, मैंने ये स्टिकर वाली बटरफ्लाई जो है रूम में उसके लिए मंगवाई है। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड। अब इसको इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा कि कितनी अच्छी ये चलती है। और साथ में ये जो है ये मैंने ऑर्डर की हैं फेरी लाइट्स बैटरी ऑपरेटेड, तो अभी आपको जो है ना ये दोनों चीज़ें ऑन करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है सेलर ने, जितने प्यार से इन्होंने इसको पैक किया हुआ है ना, साफ पता चल रहा है कि इन्होंने बहुत ही प्यार से ऑर्डर जो है ना वो भेजा है। अब अल्लाह करे कि ये चल भी जाए, मैं इसमें सैड डाल के ना आपको अभी दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। वैसे एक और मज़े की बात है, ये जो बबल शीट होती है ना ऊपर, तो इसके ऊपर आप देखो ये जो फीलिंग है ना, इसका मज़ा ही कुछ और है। अरे वाह, चलें जी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाती हूँ। तो फाइनली बबल रैप उतारने के बाद भी आप देख सकते हो कि सेलर ने इसको इतने अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है कि ये अभी भी एक कवरिंग के अंदर है। तो ये कवरिंग जो है मैं ज़रा उतार के फिर इसको देखते हैं। तो ये मैंने इसमें सेल डाल ली है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें सेल आपने किस साइड पर डाले हैं। और लुक एट दिस वन, इट्स ब्यूटिफुल। तो पीछे से इसके जो है ना ये सेल डालने वाली जगह है, और इसमें जो है ना सेल डलेंगे जो वो बड़े वाले डलेंगे थोड़े से, ये वाला साइज़, ठीक है, ये वाला साइज़ इसमें डलेगा।
और यहाँ से आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ऐसे आप इसको ऑफ़ कर देंगे। कवरिंग मैंने इसलिए नहीं उतारी क्योंकि रखा, अभी इसको इस्तेमाल करूँगी तो तब उतार दूँगी, नहीं तो डस्ट वगैरह से ख़राब हो सकता है। तो इसको ऐसे आप यहाँ पर सेल डालेंगे, और सेल डालने के बाद आप इसको क्लोज़ कर दें, और क्लोज़ करके जो है यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे। ओ माई गॉड, माशाल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल। तो ये हो गया। अब ज़रा फेरी लाइट्स को भी चेक कर लेते हैं। और एक और बात मेंशन कर दूं कि ये जो मटेरियल है ना, ये प्लास्टिक का है, तो इसमें आपको करंट लगने का भी कोई ख़तरा नहीं है और इसके टूटने का भी कोई ख़तरा नहीं है। तो सो फार वेरी गुड प्रोडक्ट। तकरीबन मैंने ये 750 की रेंज में लिया है, तो 750 की रेंज में नॉट अ बैड थिंग। अच्छा जी, तो ये फेरी लाइट्स जो हैं इनकी मैंने पैकिंग को ओपन कर ली है, और सेल जो है आपको खुद बाय करने पड़ेंगे, तो कोई बुरी बात नहीं है। और सेल का ये साइज़ इस्तेमाल होगा। वैसे मैं आपको दूसरे सेल भी दिखाती हूँ, कोई भी किसी भी कंपनी के आपने ये वाले सेल यूज़ करना है, साइज़ ये यूज़ करना है। अदरवाइज़ एक साइज़ ये भी होता है, दिस वन, ठीक है। तो ये वाला साइज़ जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें ये वाला साइज़ इस्तेमाल होगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। और इसी तरह इसके ऊपर भी जो है ये ऑन और ऑफ़ का जो है ये इन्होंने दिया हुआ है बटन। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो देखते हैं कि ये कैसा वर्क करती है। मैंने अभी इसको पूरा ओपन नहीं किया। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये आप देख सकते हो, इंशाल्लाह मेरी कमिंग अपकमिंग वीडियोस में आपको ये फेरी लाइट्स लगी हुई दिखेंगी, तो आपको पता चल जाएगा। तो वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे आप इसको जो है यहाँ से ऑफ़ कर देंगे, और इसका पीछे वाला कवर आप इसके ऊपर लगा देंगे जिसके साथ ये यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर इन्होंने लिखा भी हुआ है, तो ये आप इसके साथ जो है इसको बड़े ही आराम से यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर देंगे, और ये आपका एक पूरा बड़ा ही क्यूट सा जो है पैकेज ये बन जाता है। ये मुझे अभी सेट नहीं करना आ रहा, तो मैं इंशाल्लाह इसको बाद में सेट कर लूँगी, थोड़ी देर में टाइम लगेगा। तो इसको हम इस तरीके से जो है ना इसको कर लेंगे, और फिर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि ये ज़बरदस्ती में टूट जाए, तो इसको बाद में मैं करूँगी। तो ये देख लें आप, ये है, अभी मैंने इसका अरेंज कर लिया इसको। तो ये देखें, ये इसके साथ साथ जो है वो अब हो गया, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये आपको रिकमेंडेड है, आप बिल्कुल ये परचेज कर सकते हैं, इट्स वेरी नाइस। और सेल का साइज़ मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। ये देखिए, ऑन और ऑफ। तो चलिए अब ओपन कर लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्सल। इसमें मेरा ख्याल है मैंने कौन मंगवाई थी एक, ओ गॉड, ये मैंने इसको कार्ड तो नहीं दिया कहीं इसके साथ। तो ये देखते हैं, ओ तो शुक्र है ये बच गया। ये पील ऑफ कॉर्न है, तो अभी इसको मैं यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि ये कैसी है। लेट्स सी कैसे रिजल्ट्स आते हैं, मैं इसका रिव्यू आपके साथ इंशाल्लाह बाद में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये तकरीबन डिलीवरी चार्जेस और हर चीज़ मिला के मुझे पड़ गई है तकरीबन 226 रुपये की। अब तो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी के भी 30 रुपये इंक्लूडेड कर दिए ना, साथ एक्स्ट्रा। जी हाँ, तो अब बारी है इस पार्सल की, इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। तो काफ़ी हैवी हैवी सा लग रहा है, ये क्या है? ओ वाओ, क्यूट, वेरी गुड, क्यूट क्यूट से आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, और ये बहुत कम प्राइस में मिल रहे थे तो मैंने ये ले लिए। मैं आपको ये ज़रा ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे हैं। तो इसके लिए यहाँ से, आई एस के ये यहाँ से ओपन होंगे, तो इनको ज़रा देख लेते हैं। ये मुझे थोड़ा टूटा टूटा सा क्यों लग रहा है। अच्छा, इसके अंदर से कुछ ये जो मटेरियल है ना, मुझे लगता है निकल के गिर गया। तो ये अच्छा पाउडरी पाउडरी से मटेरियल है। अल्लाह रहम करे, कुछ और ही जेन में आ जाता है सोच के, पाउडर से रिलेटेड कुछ समथिंग, अलार्म करे तो इसको बल के छोड़े। तो ये है येलो कलर का फ्लावर, और इसको थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा। इसके अंदर जो मटेरियल है ना, ये काफ़ी डिग्रेडेड सा लग रहा है मुझे। तो और ये है ग्रीन कलर का, ठीक है, और थोड़ा मुझे वेट वेट भी लग रहा है। तो एनी हाउ, बड़े क्यूट हैं, और मेरे हाथ देखें इनके ऊपर ये लग गया है, पता नहीं क्या है, ये समझ नहीं आ रही क्या है, लेकिन चलें जो भी है। तो 250 की प्राइस में चार आपको ये छोटे छोटे गमले मिल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ठीक है, साफ़ सूफ करके ठीक हो ही जाएंगे। तो मेरी तरह से यू कैन बाय दिस वन। जी हाँ, तो अब बारी है नेक्स्ट पार्सल की।
मुझे लगता है कि ये, अरे वाह, ये जो है ना वो है, कभी टाइम होता था कि ना आपको पार्लर में जाके पार्लर वालियों के बड़े नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए ना मैंने सोचा कि इसको जो है ना मसला ही मुका देते हैं। तो हमने जो है ना ऑर्डर कर लिया ये स्टेंसिल्स, और बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस में है, तो 150-169 इतनी प्राइस में है ये। तो ये इसके साथ, बाकी ये इसके, अभी ये मैं इसको बाद में देखूंगी तो मुझे पता चलेगा, लेकिन दे आर सो ब्यूटीफुल और दे आर इन अ वेरी रीज़नेबल प्राइस। तो ना आप ये बाय कर सकते हैं, बाकी तो मैं इसको ट्राई करूंगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ना इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूंगी, ठीक है। तो ये एक और है जो बिल्कुल अलग डिज़ाइन है, और उसके बाद एक और मैंने मंगवाया था, क्योंकि शौक चढ़ा होता है, आपको पता है हम फीमेल्स हैं, हमें ऐसे चैन नहीं आता जब तक हम थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग ना कर लें। तो ये भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद आया है ये, तो मेरी तरफ़ से ये सेलर भी रिकमेंडेड है। मैं इंशाल्लाह लिंक्स दे दूँगी सारे, तो आप बाय कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जब चाहें। ये मैंने अभी फ्लावर वही वाले से जा दिए हैं जो मैंने परचेज किए हैं। तो मैंने एक चीज़ मंगवाता है इंसान किस लिए, इस्तेमाल करने के लिए, तो इनका इस्तेमाल अभी से स्टार्ट हो गया। तो हम देखते हैं अब इस पार्सल में क्या मंगवाया है मैंने। अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, अल्लाह करे कि आगे भी अच्छा रहे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और, मैं आपके साथ रिव्यू करूँगी, तो वो उस सेलर ने तो ना मेरा मूड ही ख़राब कर दिया था। अरे वाह, ये जो है ना, इसकी इतनी हाइप थी, इतनी हाइप थी, हर बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा था। मैंने सोचा मैं क्यों नहीं कर रही है, तो मैंने ना अब इसलिए मैंने कहा यार चलो ये रोले मुका देते हैं और जल्दी से ना हम ये इसको ऑर्डर कर लेते हैं। तो इसको मैं ना टेस्ट करूँगी, इसका लेदर से शॉर्ट्स में मैं वीडियो जो है ना एक बनाऊँगी और फिर वो मैं अपलोड करूँगी। तो इसमें पार्ट्स देख लेते हैं कितने में से, कि मुझे थोड़ा रफ़ रफ़ सा क्यों लग रहा है। तो अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं आपको इसके ना चीज़ें दिखा देती हूँ, इसके साथ क्या क्या कुछ आया, तो आप थोड़ा सा ना ज़रा वेट कर लें। इसमें जो है जी हाँ, तो ये तो ओपन हो गया है दिस वन, और ये इन्होंने, अच्छा इन्होंने स्टेपलर लगाया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया। अरे ये सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। तो आप ये इसमें से निकाल लें, और ये क्या है, रिव्यू योर परचेज, इंशाल्लाह अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बेस्ट ही रिव्यू देंगे हम। तो इसके अंदर जो है ये इन्होंने दिया हुआ है एक चार्जर, ठीक है, और ये चार्जर के साथ इन्होंने ये कनेक्टर दिया हुआ है। मुझे लगता है ये चार्जर और ये साथ, हम इस चार्जर का जो ये वाला पार्ट है, दिस वन, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये वाला पार्ट, इसको हम यहाँ अटैच करेंगे ऐसे, और फिर इसको हम स्विच में लगा देंगे, और इसको जो है ना हम तार को, ये एडहेसिव है वैसे, इन्होंने लिखा हुआ था कि सेल्फ एडहेसिव है, तो इसको मैं सोच रही थी कि अपने बेड वाला जो एरिया ना वहाँ पे लगाऊंगी, ताकि वहाँ पे ज़रा लाइटिंग वगैरह अच्छी हो जाए। तो फिर मैं आपको ना बाद में बताऊँगी कि इसका कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, और शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दूँगी। तो नेक्स्ट पार्सल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गई थी कि इसके साथ एक अदद रिमोट भी है, ठीक है, तो इसे हम कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको भी ट्राई करूँगी, तो फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू लास्ट में शेयर करूँगी, इसके लिए चैनल के साथ बने रहिएगा जी हाँ। तो नेक्स्ट पार्सल, या अल्लाह तेरा शुक्र है, चीज़ें अच्छी आ जाती है ना तो दिल खुश हो जाता है, अदरवाइज ओके जी। तो ये है ऑडियोनिक का एक ब्लूटूथ स्पीकर है ये, एक्चुअली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाज़ अवक़ात ऐसा होता है ना कि आप जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपको चीज़ें देख के वैसे ही इतना फैसिनेट करती हैं कि आप कहते हैं कि भाई इसको ख़रीद लेते हैं, हो सकता है फ्यूचर में मुझे इसका कोई काम पड़ जाए, लेकिन मैंने इसको सिर्फ पसंद आने की वजह से ख़रीदा, क्योंकि मुझे इतना क्यूट लगा था, इतना क्यूट लगा था। तो मैं बल्कि आपको ना इसकी वो भी एप्लीकेशन भी करके दिखाती हूँ, सारा इसका चेक करवा देती हूँ, तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बाय कीजिएगा। बाकी शॉर्ट्स वगैरह में भी मैं सारा इसका जो है ना अपलोड कर दूँगी। तो मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ। अच्छा जी, तो फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है, थोड़ा सा आई होप कि अब ये खुल जाएगा बड़े आराम से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओके, तो ये है छोटा सा पारू सा स्पीकर, और मिनी स्पीकर आप देख सकते हो कि ये बहुत प्यारा इसका जो है ना व्यू है, बहुत प्यारा, इट्स वेरी क्यूट।
बाकी तो इसकी फंक्शनिंग से पता चलेगा कि कैसा है। साथ इन्होंने इसके लगाया हुआ है एक अदद ये चार्जर, तो ये चार्जर इसके साथ इन्होंने ये दिया हुआ है चार्जर वगैरह ना। तो ये अभी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, मैं फिर आपको दिखाती हूँ ज़रा। और साथ इसके जो है ना, ये इन्होंने एक यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है, तो इसके साथ रिचार्जेबल बैटरी भी आती है। और ये सारा काफ़ी लंबा चौड़ा सा जो है ना, वो इन्होंने इसका वो दिया हुआ है इंट्रो। ये मैं बाद में पढ़ूंगी इसको, बाद में चला के, तो फिर इंशाल्लाह ना आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करेंगे। तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है और ढेर सारा प्यार ज़रूर देना है, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके। जी हाँ, तो बारी आ गई है नेक्स्ट पार्सल की। ये थोड़ा सा मुझे हैवी हैवी क्यों लग रहा है, चलें मैं इसको ओपन करती हूँ, देखती हूँ इसमें क्या है। एक्चुअली ऑर्डर करके जब बंदा खुद भूल जाता है कि उसने क्या ऑर्डर किया था, बाद में इसको याद आता है कि अच्छा ये भी ऑर्डर किया था, ये भी ऑर्डर किया था, उसे ही तरीके से ओपन नहीं हुआ। तो एक मिनट, एक्चुअली जब भी आप पार्सल को ओपन करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि ये ना हो कि अंदर कोई चीज़ हो तो आप उसको भी डैमेज कर दें। तो और ये कटर बहुत ज़्यादा शार्प है, तो इसलिए मैं अभी इसको भी ज़रा ध्यान से इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्साइटमेंट होनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए कि चोट ही लगवा बैठे। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम। ये क्या है भाई, ये एक मोबाइल फ़ोन होल्डर है मोबाइल रखने के लिए। ये मैंने अपनी मामा के लिए मंगवाया था। और ये जो है हमारे पास, ये माइक्रोफोन स्टैंड है, ठीक है, जिसपे हमने कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह रखना हो और कोई पॉडकास्ट वगैरह बनाने हों तो उसके लिए है। अभी मुझे पता नहीं है इसको कैसे यूज़ करना है, तो बाद में मैं इंशाल्लाह इसका भी शॉर्ट्स में जो है ना शेयर कर दूँगी। और साथ में तीसरा जो आइटम है वो है ये, मैं कंफ्यूज हूँ, ये क्या ये है इसके अंदर। अच्छा, ये वो है गोरिल्ला जो ट्राईपॉड स्टैंड होता है ना, ये वो है। तो मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ, तो ओपन करके जो है ना मैं आपको इसको ज़रा दिखाती हूँ कि ये इसमें, अच्छा जी ये है, ये निकला है। पैकिंग तो बड़ी प्यारी की हुई है भाई। तो जब से ये दराज वालों ने रिव्यूज़ वाला सिलसिला शुरू किया ना, ये थोड़ा सा ना मुझे गंदा गंदा सा लग रहा है, ये आप देख सकते हो, थोड़ा साइडों से ना थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है, लेकिन अगर काम सही करे तो चलें थोड़ा बहुत गुजारा हो ही जाएगा। अच्छा, इसका ना मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देखे थे और बड़ा मैंने इसको वो किया था, तो फोल्ड तो हो रहा है, थोड़ा फ्रेजाइल सा लग रहा है मुझे। तो ये इस तरह है, इसके ऊपर जो है वो इसको ऐसे कर लें आप, जैसे मर्ज़ी दिल चाहे आप इसको जो है वो इस तरह फोल्ड कर लें। फोल्ड करके तो मुझे, क्योंकि अब इंशाल्लाह मैंने वीडियोस बनाने ही हैं आगे आगे, तो मुझे इसके लिए ना इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा शायद इसको साथ में हम थोड़ा ट्राई भी कर लेंगे। ये पार्ट जो है ये इसके ऊपर अटैच हो जाता है, ठीक है, और इस पार्ट के अंदर आप जो है मोबाइल, मुझे नहीं लगता कि ये इतना हैवी मोबाइल जो है इसको पता नहीं होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन यूज़ करने से ही पता चलेगा। तो बाकी ये है कि इसको आप कहीं भी किसी भी साइड पे ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, और इसका ये लेवल भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो सो फार अभी तो गुड ही लग रहा है, बाकी जब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। तो बाकी आइटम्स में हम इसको खोल के देख लेते हैं। अच्छा, पैकिंग बहरहाल काफ़ी अच्छी है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस तरह के जो स्टैंड है ना, मैंने बड़ी बार मंगवाए हैं, बाहर से भी लिए हैं, लेकिन ना अल्लाह भला करे ये जो है ना बस पता नहीं क्या करते हैं। अच्छा भाई, एक गड़बड़ हो गई है, मंगवाया पिंक था लेकिन भेज दिया इन्होंने ब्लू। तो एक तो मुझे ना इन लोगों की ये नहीं समझ आती कि भाई चीज़ जो मंगवाई है आप वो भेजो ना, आप ऐसी चीज़ भेजती क्यों जो नहीं चाहिए। तो ये इंशाल्लाह अब कल मम्मा को यूज़ करवाएंगे तो फिर आपको देंगे। मम्मा को पिंक कलर पसंद है लेकिन इन्होंने भेज दिया ब्लू। तो लेकिन चलें चीज़ अच्छा काम करे तो ठीक है, बेस्ट है, ठीक है, गुड है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है, तो इसको भी ज़रा खोल लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो ये हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें, जो ये चीज़ें मुझे मिली हैं। मुझे एक्चुअली अभी कल आई कि फ्लैश ऑन करना था, तो पहला पहला वीडियो है तो मैं खुद भी काफ़ी कंफ्यूज थी। एनी हाउ, तो ये जो है हम इसके ऊपर अटैच करेंगे, ठीक हो गया ऐसे। और इसको अटैच करने के बाद हम जो है वो ऐसे इसको लगाएंगे इसके ऊपर,
और देन मेरा ख्याल है कि हम इसका ये वाला पार्ट, मुझे लगता है कुछ मिस तो नहीं कर दिया उन्होंने। आई गेस के दे हैव मिस्ड समथिंग। यप, या तो मुझे पता नहीं है इसका, क्योंकि मैंने अभी इसको इस्तेमाल करना है, तो और कोई पार्ट इसमें इन्होंने दिया ही नहीं हुआ। अब आई डोंट नो कि ये कैसे होगा और क्या इसका सीन है। तो इसका मुझे लगता है कि ना एक पार्ट ये देना भूल गए हैं। आई होप कि ये कुछ ठीक हो, तो देखें क्या बनता है। ये मुझे तो लगता है इसका इन्होंने जो है ना ये वाला पार्ट दिया है, और साथ इसके जो है वो ये वाला पार्ट इसमें, इस पार्ट में अटैच होगा मुझे लगता है। अभी मुझे कोई समझ नहीं आ रही इसकी, इसमें अटैच होगा। पता नहीं ये लोग चीज़ें पूरी क्यों नहीं भेजते, मुझे समझ नहीं आती। तो ये जो है ना, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो भाई ये बड़ी ख़राब हरकत की है सेलर ने। एनी हाउ, अब इनकी हम देखते हैं कि इनको कैसे मैनेज करना। ये पार्ट पूरे नहीं है, क्योंकि एज पर इट्स पिक्चर यहाँ पे अंदर जो लगाने वाला पार्ट है ना, वो इन्होंने नहीं डाल के भेजा, तो उसकी वजह से इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। एक मिनट मैं देखती हूँ, शायद मुझे ही कोई गलती लग रही होगी, तो चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, आई थिंक ये जो है ना चीज़, ये इसके अंदर ही है, तो चेक करते हैं, देख लेते हैं। ये जो है ना चीज़, ये इसके अंदर ही इन्होंने की हुई है। वेट अ मिनट, मुझे समझ आ गई, मिस नहीं की हुई। तो देखें आपके सामने ही हो रहा है सब कुछ। ये जो चीज़ है ना, ये मेरा ख्याल है इसके अंदर इस तरीके से आ रही है, और इसने इस तरह इसमें से निकलना है इस चीज़ ने, या क्या है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये मेरा ख्याल है यहाँ से उतरेगी, और उतरने के बाद जो है ना हम इसको इसके अंदर ऐसे, ये थोड़ा ट्रिकी सा आया। नहीं हो इसको मैं बाद में समझ के तो फिर आपके सामने ना इसको लगाऊंगी। अच्छा जी, तो फाइनली इसको मैं जोड़ने में कामयाब हो गई हूँ, और ये कुछ इस तरीके से बना है। इसके ऊपर हम ये लगाएंगे, और इसके ऊपर मोबाइल लगा के जो है आप, हम बड़े आराम से वीडियोस शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सो फार गुड। लेकिन ये हिस्सा थोड़ा थोड़ा ऐसे मूव कर रहा है, समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन ठीक है, सही है। आ जाते हैं ज़रा अपने इतने बड़े पार्सल के ऊपर। ये एक्चुअली एक राउंड टेबल है, काफ़ी हाइप थी इसकी भी, तो मैं इसको भी ओपन करके तो फिर आपको जो है ना वो दिखाती हूँ। पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है, और जो है ना मटेरियल लगता है कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। पैकिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओके जी, तो दिस इज़ द फाइनल लुक। तो ये टेबल का जो है ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसको भी खोल के चेक कर लेते हैं हम। ये मैं वैसे जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो चीज़ तो नहीं आई, लेकिन एक्चुअली ये ना कॉफ़ी टेबल है जो मैंने ऑर्डर किया था। नीचे से आप ये देख सकते हो कि ना ये काफ़ी रफ़ सी है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इनको थोड़ा सा ना इसको अच्छे तरीके से सैंड करके भेजना चाहिए था। तो बाकी ये इसकी जो है वो बैक साइड है, बैक साइड पे पेंट भी आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बेदली से लगता है, कर कुर के तो भेज दिया है, दो नंबर काम किया है। और ये इसकी फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड ठीक है, नए नए पेंट की भी इसमें से मुझे खुशबू आ रही है, लगता है नया नया पेंट करके भेजा है इन्होंने। कोई रफ़ सही लकड़ी का पीस जो है ना उठा के तो उसको पेंट करके तो भेज दिया, तो ठीक है, बस गुजारा है। कम प्राइस में तो मेरा ख्याल है फिर ऐसे ही होता है। तकरीबन ये मुझे पड़ा है, मैं दिखा आपको बताती हूँ डिलीवरी के चार्जेस डाल के, तो ये मुझे पड़ गया है तकरीबन 1108 रुपये का। ठीक है, 1108 रुपये का ये मुझे पड़ा। और अब इसके देख लेते हैं बाकी पार्ट्स। तो इतनी कोई प्यारी लुक नहीं है, ये इसकी तीन टांगे हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको जोड़ के तो इसके साथ जो है ना फिर दिखाती हूँ। अल्लाह जाने इसमें जोड़ते हुए भी क्या क्या हादसा होंगे, अल्लाह ना करे कि कुछ हो। तो मैं इसको जोड़ती हूँ फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ अभी इसका फाइनल लुक। ओके जी, तो अब हम ओपन करेंगे अपना लास्ट पार्सल। टेबल का व्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी कमेंट भी इस पर बाद में ही करूँगी। पैकिंग तो बहुत अच्छी की हुई है इन्होंने, तो लेट्स सी के आगे अब प्रोडक्ट कैसा निकलता है। इनवॉइस जो है ना, कभी भी पैकिंग को अनपैक करते हुए आपको पूरा पूरा इसको क्लियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ये इनवॉइस जो है ना आपके काफ़ी काम आती है। अगर आपने एक्सचेंज कराना हो या रिफंड करना हो तो आप इसको नहीं छेड़ सकते। ठीक है, तो ऊपर नोट भी बड़ा प्यारा लगाया हुआ है इन्होंने, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर। लेकिन लेट्स सी कि क्या प्रोडक्ट भी इतना अच्छा भेजा। ये एक्चुअली मुझे याद आ गया, मैंने ऑर्डर किया था एक बीटर,
और एक स्लाइसर है जिसकी बहुत हाइप है, तो मैंने सोचा कि चलें वो मंगवा लेते हैं। बाकी स्टोर जो है वहाँ से मुझे काफ़ी महंगा पड़ रहा था, 2500 रुपये सिर्फ उसका सिंगल प्राइस था, और डिलीवरी और उसमें मिला के तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 2800 रुपये तक का वो पड़ जाना था। तो ये तकरीबन मुझे पड़ गया है 2100 समथिंग का मिल रहा था ये, तो बाकी डिलीवरी के चार्जेस जो आपने, तो फिर भी 2800 काफ़ी रिजनेबल ही पड़ गया। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सरप्राइज़ है पैक में हमारे लिए। ओके जी, तो ये है एक हैंड मिक्सर। अरे वाह, इसका तो साइज़ बहुत ही छोटा है, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि थोड़ा बड़ा होगा। तो और साथ में जो है ये है दिस वन, ये है वेजिटेबल कटर स्टेनलेस स्टील पैनल। ये मैं भी आपको अनबॉक्सिंग इसकी करके दिखाती हूँ, तो फिर हम इसको चेक करते हैं। बाकी वर्किंग कैसी है ये बाद में इसका रिव्यू दूंगी, तो फिलहाल पहले आपको इलेक्ट्रिक बीटर दिखा देते हैं। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, और इस पर रिव्यूज़ अच्छे थे, लेकिन अभी इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि एनएक्स की भी मैंने यूज़ की हुई है, मेरे साथ उसमें फ्रॉड हो गया। मैंने वो एक स्टोर से ली थी, और बड़ा अच्छा नाम है स्टोर का, और फिर भी जो है ना वो कोई ख़ास, मतलब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ना ये दो देने की बजाय एक दे दिया था। तो वो मैं उस वक्त बिगिनर थी, और मैंने घर आके चेक किया, तो फिर मुझे पता चला कि तो दो होने चाहिए थे, और उस वक्त से ना वो कुछ रास नहीं आया, क्योंकि उसके ना ये वाले एनएक्स की मशीन थी, उसके ये वाले जो साइड है ना ये उतर गई थी, डैमेज हो गई थी, तो इस वजह से मुझे जो है ना ये नया वाला ऑर्डर करना पड़ा। मैंने क्योंकि बेकिंग वगैरह करनी होती है, तो इसलिए जो है ना मुझे थोड़ा सा मसला था। अब इसकी जो तार है ना, इससे रिलेटेड और दूसरा लोगों को ना इसके स्पीड से रिलेटेड जो है ना वो इश्यूज़ हैं। लेट्स सी, मैं इस्तेमाल करूँगी तो फिर ही मैं कोई इस पे ओपिनियन दे पाऊँगी। कलर इन्होंने भेजा है ब्लैक, बाकी इसको अभी इस्तेमाल करेंगे तो ही पता चलेगा। देखने में तो ये मुझे कॉपी पीस ही लग रहा है, तो अंदर इन्होंने इसके ये रुई वगैरह डाली हुई है, तो रुई वगैरह निकाल के फिर ही इसके अंदर से मेरा ख्याल है ये कुछ। हाँ चलिए, कोई हाथ तो नहीं हो गया मेरे साथ। एनी हाउ, तो ये देख लेते हैं दूसरा अंदर ये। अच्छा, ये ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे, और फिर जो है ना इसको ये तो इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही पता चलेगा। अच्छा, ये साहब तो अभी उतर गए हैं। चलें लेट्स सी, देखते हैं, तो देखने के बाद आपको इंशाल्लाह शॉर्ट्स में इसका रिव्यू देंगे और बताएंगे कि आया कि आपको ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल तो मुझे शायद समझ नहीं आ रही इसकी, देखते हैं फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। तो एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, नाम कैनवुड का यूज़ किया बट इट्स नॉट ओरिजिनल प्रोडक्ट। और बाकी तो मैं, मुझे भी इसको ना असेंबल करने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है दो नंबरी हो गई है मेरे साथ, तो मैं नहीं रिकमेंड करती कि आप ये वाला प्रोडक्ट जो है इसको आप बाय करें, क्योंकि इट्स अ कॉपी और थर्ड क्लास कॉपी मुझे लग रही है ये। बाकी इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको ना कम्प्लीटली बता दूँगी कि क्या करना है इसका। ओके जी, तो ये है कटर, वेजिटेबल कटर, और इसकी देखते हैं, काफ़ी इसकी हाइप थी, मुझे तो डर है कि कहीं ये भी दो नंबर पीस ही ना भेज दिया हो इन्होंने। तो ये पार्ट्स इसके देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको पूरा निकाल लेते हैं। अच्छा जी, तो ये है मशीन का फाइनल लुक, साथ इसके जो है ये मैनुअल भी आया हुआ है इसका, तो ये भी देख लेते हैं। और सो फॉर लेट्स सी कि इसके अंदर ब्लेड्स कैसे हैं और क्या सीन है मुझे तो। लेकिन ये है कि कोई भी स्टोर आप उससे चीज़ ऑर्डर करें, तो क्योंकि ये चाइना माल ही होता है ज़्यादा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कैसा निकले और क्या, चाइना माल तो फिर चाइना माल ही होता है ना। एनी हाउ, तो ये इसके साथ कुछ ये कटर्स हैं, मेरा ख्याल है ये इसके अंदर लगेंगे जो होते हैं इसके साथ, यहाँ पर आई गैस अटैच होंगे। हाँ, यहाँ पर अटैच होगा एक पार्ट, और एक पार्ट जो है वो इसका यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा परे करके फिर आपको करीब से दिखाती हूँ। ये इसमें से निकला है, इसके अंदर होता है ये पार्ट, और ये जो साथ वाले पार्ट्स हैं। अच्छा, ये जो है ना ऊपर इसके काफ़ी डस्टी डस्टी सा है, चलें कोई नहीं, वो तो बंदा साफ़ कर लेता है, बस ये है कि मशीन को काम से ही करना चाहिए। तो ब्लेड्स इसके मुझे कोई इतने ख़ास शार्प नहीं लग रहे, बस ठीक है, गुजारा है। तो एक ये है मेरा ख्याल है, ये दूसरा है यूज़ होता है जो इसके लिए क्या कहते हैं इसको, हाँ ये साइड ऊपर ही आएगी इसकी, तो ब्लेड इसका तेज है, शार्प है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ इसके अंदर, मैं इसको बाद में अटैच करके फिर ही कोई इस पे रिव्यू दूंगी, ऐसे मैं नहीं चाहती कि मैं जल्दी में कुछ करूं
और ये टूट जाए। मटेरियल ठीक है इसका, जो है थोड़ा सा रफ है, तो बाकी जो है ना मैं इसको इंशाल्लाह, ये दो इसके ये कद्दूकश करने वाले हैं, दो स्लाइसर के तौर पे हैं और दो मेरा ख्याल है दूसरे जो इसके सिवैयों टाइप निकलते हैं, तो ये लगा के चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी इसको चला। अच्छा जी, फाइनली मैंने इसको असेंबल कर लिया, तो ये एक पार्ट इसके पीछे, ये वाला पार्ट जो पहले निकाला था ये इसके अंदर चला गया, और ये इसके पीछे ये ऐसे उतर जाता है, ये वाला पार्ट ये इसके पीछे ऐसे अटैच कर दिया। इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ ऐसे यहाँ पर अंदर इसके रखेंगे, रखने के बाद पीछे से जो है ये हैंडल इसको ऐसे घुमाएंगे मैनुअली, ठीक है, और साथ साथ जो है ना हम इसके ऊपर इसको ऐसे रखते जाएंगे, और ये हैंडल जो है इसको थोड़ा इसके ऊपर हमें फिक्स करके लगाना पड़ेगा ताकि ये बार बार उतरे नहीं, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कस देंगे। तो ये जो है ना, वैसे ये 2500 वाली चीज़ लगती तो नहीं है, ये तो 1500 या 1000 रुपये वाली चीज़ है, बाकी तो इसको इस्तेमाल करूँगी तो पता चलेगा, लेकिन सो फार तो आपने अगर ये लेना हो, बाकी मैं इससे रिलेटेड शॉर्ट्स वगैरह लगा दूँगी जब जब जो भी काम करूँगी, तो वो फिर आप देख लीजिएगा। तो ये था मेरा अब तक का सारा एक्सपीरियंस, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट भी शेयर करेंगे। जी हाँ, तो ये है फाइनल लुक सब प्रोडक्ट्स की, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये है टेबल, ठीक है, और इसके मैं आपको ज़रा फाइनल लुक भी दिखा दूँ, तो ये ठीक है, बस इतनी प्राइस में ऐसी ही चीज़ मिल सकती है, तो सो फार नॉट गुड नॉट बैड जी। तो आई होप आप सबको आज का शॉपिंग हॉल बहुत पसंद आया होगा, तो मज़ीद वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।